हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड ये रहा, देख सकते हो, ये रहा फाइनली। इतना वेट के बाद, लाइक पुराना हेलमेट इतना यूज़ करने के बाद फाइनली आ चुका है मेरे पास नया वाला हेलमेट। एंड गेस कर लो, अरे यार गेस क्या करना है, सब तो लिखा हुआ है, ऊपर नीचे आगे लेफ्ट राइट हर जगह लिखा हुआ है। सो ये है HJC का आरफा 11 डीरो का सीरीज। एंड अब फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। देख तो चुका हूँ एक बार खोल के, लेकिन पहन के अच्छे से फील नहीं आया है। वो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके ऊपर जो स्टिकर है वो सब उतारते हैं, एंड देन उसके बाद उसको पहन के देखते हैं। बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है, ये मेरे को पता है। और फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग देखी, ये हेलमेट ऐसे एक अच्छे से बैग में आता है। HJC का ही बैग है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रांडिंग है। तो इसको इस बैग से निकालते हैं, एंड फाइनली आ गया है मेरा हेलमेट। तो गाइस अभी सबसे मेन काम इसमें करना है वो है इसका स्टिकर उतारना। हेलमेट 2 दिन से आ चुका है, रखा हुआ है। मैं बहुत बेचैन था इसका स्टिकर उतारने के लिए, लेकिन वीडियो बनाना था उसके वजह से स्टिकर ही नहीं उतारा। स्टिकर पहन के एक दो बार, स्टिकर लगा हुआ था एक दो बार पहन के देखा। सो फाइनली टाइम आ गया है स्टिकर उतारने का। उतार ही देते हैं। यस, अभी आप देख सकते हो ये है इसका फाइनल लुक। इसको रखते हैं साइड में। एंड आप लोग जो देख सकते हो ये वाला, इस पर अभी क्लियर ग्लास लगा है, लेकिन इतना ही नहीं है। एक चीज है वो मैं आपको नहीं दिखाया अभी तक, दिखाता हूँ। सो गाइस, इस हेलमेट के साथ सिर्फ हेलमेट एंड क्लियर वाइजर ही नहीं आता है, उसके साथ आता है ये डार्क स्मोक वाइजर एंड ये पिन लॉक, जो कि एंटी फॉग होता है। इसमें फॉग नहीं होता बिल्कुल भी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, धूप में जब आप सुबह राइड करते हो ना, वो वाला वाइज़र, ये वाला जो वाइज़र है ये बिल्कुल सही नहीं, एकदम आँख में धूप लगता है। एंड मेरे को पर्सनली हेलमेट के अंदर सनग्लासेस पहनना इतना नहीं अच्छा लगता। सो गाइस, आप लोग कोई भी ब्रांड का हेलमेट लेने जाओ HJC छोड़ के, जैसे कि हो गया अपना MT, अपना हो गया AGV, या फिर और कोई भी ब्रांड, शार्क हो गया, कोई भी ब्रांड हो गया, कोई भी हेलमेट के साथ आपको एक्स्ट्रा वाइज़र फ्री में नहीं मिलता, आपको एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ता है। सारे हेलमेट खाली क्लियर वाइज़र्स के साथ ही आते हैं, लेकिन आरफा 11 में डार्क वाइज़र कम्प्लीटली फ्री आता है, प्लस पिन लॉक भी फ्री आता है। सो अभी मेरे को वाइज़र पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पिन लॉक पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट वाइज़र मेरे को रात में छोड़ के सुबह के लिए बिल्कुल नहीं सही लगता है। सुबह टिंटेड वाइज़र ही चाहिए मेरे को। ट्रांसपेरेंट वाइज़र में मेरे को राइड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि एक तो मैं सनग्लासेस पहनना प्रीफर नहीं करता हूँ हेलमेट के अंदर, जितना धूप होता है ना वो आँख में लगता है, एंड आँख खोलना मुश्किल हो जाता है। मेरा जो MT का पुराना वाला हेलमेट है उसमें भी मैं एक टिंटेड वाइज़र यूज़ करता था, बट उसमें ऐसा लुक नहीं आएगा जैसा लुक इसमें आ रहा है, उसमें वैसा लुक बिल्कुल भी नहीं आ सकता। एंड गाइज, आप लोग को और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको देख के पता कर सकते हो। इतनी मोटी मैनुअल आती है हेलमेट के साथ। मैनुअल तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बट फिर भी मेरे को इसका चीक पैड्स वगैरह खोलने के लिए एक बार मैनुअल पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस इसका जो वाइज़र है कैसे खोलते हैं उसका भी, ये सब ब्रांड्स का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। MT का जो आपको पता होगा, अगर MT का जो मैं हेलमेट यूज़ करता हूँ, वो हेलमेट जब मैं ख़रीदा था उसको 1 साल तक मैं उसमें वाइज़र नहीं चेंज किया था, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं था उसमें वाइज़र कैसे चेंज करते हैं। लेकिन जब मैं नया वाइज़र ख़रीदा,
एक जन को देखा वो कैसे खोलते हैं, उसके बाद मैं सीखा कि उसका वाइजर कैसे चेंज होता है। इसमें तो मैनुअल आता है, आराम से पता चल जाएगा कैसे क्या सिस्टम है, क्योंकि अभी तक मैं इसमें कुछ नहीं लगा हूँ हेलमेट में, कुछ भी नहीं, ना इसका पैडिंग खोला हूँ ना इसका वाइजर चेंज किया हूँ। तो रखते हैं साइड में मैनुअल को। एंड इसमें एक दो चीज और भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है, इसमें मेरे को अपना इंटरकॉम लगाना पड़ेगा, किसका कॉल वॉल आता है तो रुक के कॉल उठाना, वो सब पहले जमाने में होता था, अभी तो सब इंटरकॉम से होता है यार। उसके साथ मेरे को इसमें अपना GoPro भी माउंट करना है। GoPro माउंट करने के लिए बहुत सही चीज है, आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइज, आप लोग जैसे देख सकते हो इसके सामने तो बिल्कुल, यहाँ पे तो बिल्कुल ही जगह नहीं है GoPro माउंट करने के लिए। GoPro इसका इधर साइड में माउंट होगा, तो साइड में माउंट करने के लिए मैंने मंगाया ये वाला माउंट। ऐसा ये एक सेट आता है एंड ये वाला जो है ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे साइड में, एंड इसका सामने की तरफ इसका मेन वाला माउंट रहेगा जिसमें GoPro फिट होगा। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एकदम छोटा सा वीडियो था। हेलमेट आप लोगों को कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। एंड प्लीज मेरे को ये मत बोलना कि मार्वल सीरीज का हेलमेट क्यों नहीं लिया। मार्वल सीरीज का जो हेलमेट है ना, सिर्फ ग्राफिक्स की वजह से उसका प्राइस ज्यादा है, बाकी हेलमेट एग्जैक्टली सेम है। वो भी R511 है, ये भी R511 है। ये है रेगुलर ग्राफिक्स, वो है मार्वल वाला सब सुपर हीरो वाला ग्राफिक्स। मेरे को तो ये वाला ग्राफिक्स भी बहुत सुंदर लग रहा है यार। इसका जो नियॉन कलर है ना, स्पेशली ये नियॉन कलर रोड पे बहुत अच्छे से विजिबल होगा। एंड बाकी हेलमेट, इस पर एक बार ब्लैक वाइजर लगाऊंगा ना, उसके बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। विद दैट सेड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। You